उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सख्त निर्देश के बाद भी मुरादाबाद के कुनरकी स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। मुरादाबाद के कुनरकी स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर नदारद हैं, ओपीडी में भी एक ही डॉक्टर तैनात है। मरीजों की भारी भीड़ और लंबी लंबी कतारें लगी हैं। अस्पताल में डॉक्टरों के कक्ष पूरी तरह से खाली हैं। मरीजों का आरोप है कि इंटर्नशिप करने वाले युवक मरीजों को दवा दे रहे हैं। मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज करने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि कुनरकी स्वास्थ्य केंद्र का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कुनरकी से सपा विधायक जियाउर रहमान वर्क के निरीक्षण के दौरान भी लापरवाही देखने को मिली थी। उसके बाद भी लगातार लापरवाही सामने आती रही। आखिरकार कब तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राम भरोसे चलता रहेगा? वहीं जब इस संबंध में मुरादाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एमसी गर्ग से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वहां अलर्ट कर दिया गया है और इस तरह की बातें सुनने में नहीं आएंगी। आपने फोन भी किया था, मैंने वहां अलर्ट कर दिया है कि ये वाली बातें सुनने में ना आए। हालांकि कुंदरकी पीएससी पे डॉक्टरों का न उपलब्ध होना ये वाली समस्या आम नहीं है। अगर बाई चांस आज कोई डॉक्टर किसी वजह से ना आए होंगे, मगर आपका ये वाला जो बिंदु है ट्रेनिंग वाले लोगों का, इसमें मैंने कह दिया है कि ये वाले मसला कतई नहीं उठना चाहिए। सर, इससे पहले भी इस तरह की बात सामने आई है कि डॉक्टर वहाँ नहीं मिले, वहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने भी कुछ उसके बाद कार्रवाई कर दी गई थी और अब वहाँ की व्यवस्थाएं में शिकायत नहीं मिली। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? चेतावनी दी जाती है, वैसे नोटिस भी दिया गया है, तो चलता है वो नोटिस और चेतावनी मिला हुआ। वहीं अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कुनरकी स्वास्थ्य केंद्र की ये लापरवाही कब तक चलती रहेगी और कब तक इसमें सुधार होता है।